हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कस्तूरबा मार्केट हबीबगंज में भेल कांग्रेस एकता मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नवनिर्वाचित संचालक निशांत कुमार नंदा जी को गोविंदपुरा विधानसभा के RR मंडल के मंडल अध्यक्ष नियुक्त करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही गोविंदपुरा विधानसभा के कोपता मंडल के सेक्टर पटेल नगर से नामदेव तरस को सेक्टर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर सम्मानित किया गया। भेल कांग्रेस एकता मंच के अध्यक्ष नरेश सिंह जादौन ने कहा कि गोविंदपुरा के विकास में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण 50 साल से एक ही पार्टी का विधायक होना है। गोविंदपुरा में परिवर्तन से ही भेल और उसकी भूमि को बचाया जा सकता है। इस बार गोविंदपुरा की जनता ने सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भेल कांग्रेस एकता मंच सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि सामूहिक ताकत से इस बार गोविंदपुरा में परिवर्तन लाया जाए। कार्यक्रम का संचालन भाई चेतन कुमार साहू जी ने किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र साहू झूमरवाला जी उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में प्रकाश चौक से दीपक गुप्ता जी, भारत सोलंकी, यशवंत वर्मा, प्रदेश गोयल, चंद्र कुमार चौहान, कुलदीप मौर्य, अतुल मालवीय, सोनू कुशवाहा, शशिकांत, श्रीकांत सिन्हा, यज्ञलाल पटेल, पंकज चौहान, जयानंद, सुनील सिसोदिया, मुकुंद परस्ते, दिलीप साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के कार्यक्रम में कई लोगों को कांग्रेस सदस्यता दिलाई गई। अंत में कार्यक्रम का आभार भेल कांग्रेस एकता मंच के महासचिव विजेंद्र पाटिल जी ने किया। कांग्रेस मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार में दो सेक्टर अध्यक्ष हमने जोड़े हैं, एक निशान नंदा जी और नामदेव तातेर। हम कांग्रेस परिवार में उनका स्वागत करते हैं और ये आशा रख करते हैं कि वे हम सब मिलके यहाँ पिछले 50 साल से एक ही पार्टी के विधायक हैं, इसको हम तोड़ें और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाए, हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय बनाए, इसी को लेके हमने एक अभियान चालू किया है। क्षेत्र नए लोगों को जोड़ के उनको सेक्टर मंडलम में लेके हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम इस भेल संगठन के नरेश जादौन जी के जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करते हैं, विजेंद्र पाटिल जी का स्वागत, चेतन भाई हमारे साथ कारवा के प्रकाश चौकसे जी, दीपक गुप्ता जी और सभी भाइयों का हम बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। गांधी जी ये जो जिम्मेदारी मिली है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को मुझे जिम्मेदारी उसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने वरिष्ठ नेताओं को हमारे साथ और मैं अपने तरफ से 100% ट्राई करूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसे मैं पार पा सकूँ। आज के कठिन परिस्थिति में आज जब देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और अराजकता का माहौल है, महंगाई अपने चरम पे, हमारी कोशिश है कि लोगों को ये समझाए कि जो विकास संख्या है उसको वापस कांग्रेस को ला के ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि कांग्रेस को वापस लाए। पूरे देश में अराजकता का माहौल, बेरोजगारी का माहौल, जो महंगाई बढ़ी है उसको कंट्रोल करें। देश में तमाम पार्टियां, आपने कांग्रेस से क्यों चुनी, क्या अच्छा लगा? देश में तमाम पार्टियां काम कर रही है, आपने कांग्रेस क्यों चुना, क्या वजह? एक्चुअली कांग्रेस तो पहले मैं काफ़ी कम जानता था, लेकिन जब मैंने कांग्रेस के बारे में पढ़ा तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस आई, तो कांग्रेस ये सब जानते कि कांग्रेस ने ही आज़ादी के लिए लड़ा। और जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारा देश बहुत गरीब था, मतलब हम थर्ड वर्ल्ड के देश थे। यह कांग्रेस ही थी, चाहे नेहरू जी हो, वो आए, उन्होंने इंडस्ट्रीज स्थापित करी, IIT जैसे इंस्टीट्यूट आप तक, एम्स जैसे हॉस्पिटल, आज हमारे आजू बाजू हम भोपाल में देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हो कांग्रेस द्वारा ही स्थापित किए, चाहे वो हमीदिया हो या एम्स हो या 1250 हो। उसके बाद लाल बहादुर जी ने हरित क्रांति लाई जिससे हमारा अनाज की समस्या, राजीव गांधी जी ने IT सेक्टर्स लाए जिससे हम आज IT में टॉप पे हैं। तो मेन हम कांग्रेस के ने जो इस देश के लिए किया या विकास किया उसको हम झुटला नहीं सकते। और आज भाजपा वही कर रही है, वो बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे आप जिस देश को आज आप 5 ट्रिलियन करने की बात कर रहे हो, उस देश को गरीब पिछड़ा वर्ग देश से उठा के विकासशील देशों के इसमें खड़ा करने में 70 साल लगे हैं कांग्रेस को। और आज आपको जो 70 रुपये पेट्रोल हो रहा है, आज आपको उसको 110 ले जाने में 7 साल नहीं लगे। तो यही मेरी लोगों से अपील है कि कांग्रेस को लाए और वापस विकास को लाए और है ना महंगाई और उसको जो कंट्रोल कर सकता है, बेरोजगारी को जो कंट्रोल करता है वो कांग्रेस पार्टी ही है, और देश में अराजकता एकता का जो रख सकती है वो कांग्रेस पार्टी ही है। ठीक, आपको जिम्मेदारी मिली है जो
जिम्मेवारी तो मिली है और ये कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन्होंने नए युवा पीढ़ियों को विश्वास में लाया, ये लोग कुछ वाकई में हमने BHL के इंडियन चुनाव में लिफ्ट के चुनाव में यही युवा पीढ़ी ने हमें परिवर्तन बनाया, 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और यही BHL से हम संबंधित जितने भी हमारे साथी हैं और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं हम सभी साथी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ गोविंदपुरा में जो परिवारवाद चल रहा है BJP पार्टी बहुत दिनों से जो लगातार आ रहा है, लेकिन गोविंदपुरा में कोई डेवलप नहीं दिखा रहा, कोई डेवलप नहीं है, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई भी ऐसे संस्था नहीं ला रहे जिससे बेरोजगार खत्म हो। सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो आज मैंने ऐसे ही पढ़े हैं जैसे बेरोजगार, तो ये सारे चीज़ों का हम देखते हैं। और BHL भी आज खतरे में भी है, आज उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए BJP सरकार जो है तन मन से लगी हुई है, तो ये सारा विरोध जो हम कर रहे हैं, हम जैसे BHL यूनियन चुनाव में फिफ्थ चुनाव में लाए थे उसी प्रकार हम जो है ये गोविंदपुरा विधानसभा में हम परिवर्तन जरूर लाएंगे। और ये आपको संकेत मिल रहा होगा कि ये जो शुरुआत हमने युवा पीढ़ियों ने किया है, इससे पहले 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, आने वाले समय और करेंगे और निश्चित रूप से हम परिवर्तन को लाएंगे। और आखिरी में सर, लगातार गोविंदपुरा में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ती जा रही है, आज 2 मंडल के साथ हमारे BHL परिवार से मेरे साथी निशान नंदा और नांद्रो कला जी को कांग्रेस में आदरणीय दिग्विजय सिंह के कहने पे जो पद दिए गए हैं, इस पद को ये लेके कांग्रेस को लगातार संघर्ष करेंगे। और इस बार गोविंदपुरा क्षेत्र से 50 वर्षों का जो भाजपा का इतिहास रहा है उस इतिहास को बदलने के लिए हमारे सभी कांग्रेस के साथी BHL परिवार के एक हो चुके हैं और इस बार इतिहास बदला जाएगा। ये कांग्रेस का ही समय रहेगा और सब बेरोजगार से लेकर के सारी समस्या जो हो रही है ये सारी समस्या खत्म होगी। जय कांग्रेस, जय भारत, जय BHL।